अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है और एक दोस्त ने मैसेज करके हमें बताया कि उनकी मशीन के नीचे का सिलाई सही नहीं दे रही है, तो मैं कुछ तरीका बताने जा रहा हूँ उससे मशीन का सिलाई सेटिंग कर बिल्कुल सीधी सकते। चलना चाहिए और ये ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए। ये अगर ये ज़्यादा ढीला रहेगा तो आपका सिलाई बहुत ज़्यादा नीचे फोल्ड मारेगी, अब लूज धागा बहुत देगी। देखिए पहला ख़राबी मैं आपको बता, दूसरा ये कि आप ये देखिए पत्ती को, ये अगर पत्ती ये खांच में देख लीजिए कि खांच में है या नहीं, यहाँ पे एक बाजू में खांच है, खांच के अंदर देखिए, खांच में अगर नहीं है तो आपका ये धागा ढीला आएगी। अगर ये खांच में बैठा हुआ है तो सही आएगी सिलाई, या इस ये पत्ती के अंदर, ये देख लीजिए ये पत्ती के अंदर अगर आपका एक धागा का टुकड़ा भी रहेगा ना, तो आपका सिलाई कितना भी ऊपर नीचे का कितना भी मिलाएंगे ना, आपका सिलाई सही नहीं देगी। तो आप इसको खोल के इसको धागा ऐसे फंसा के इसको स्प्रिंग को ऐसे उठा लीजिए, ये देखिए स्प्रिंग का हमने उठा लिया, इसमें फूंक मारिए, फूंक मारने से जो भी कचरा है वो बाहर जाएगी। ये देखिए अब इसको नीचे गिरा दीजिए और यहाँ पे फूंक मारिए, जो भी कचरा रहेगा बाहर आ जाएगी। अगर फूंक मारने से कचरा बाहर नहीं आ रही है तो एक सुई ले लीजिए, सुई से वो कचरा निकाल लीजिए। इसी तरह ये झाल में भी कचरा रहेगी ना, ये देखिए ये अगर झाल में भी कचरा रहेगी ना इसके अंदर, तो आप कितना भी धागा मिलाइएगा सिलाई आपको सही नहीं आएगी। तो इसको खोलिए, इसको खींच लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कि कचरा तो नहीं है। अगर एक धागा का टुकड़ा भी है तो इसको फूंक मार के बाहर कर लीजिए, नहीं तो एक सुई से निकाल लीजिए। इतना करने के बाद भी आपका सिलाई सही नहीं आ रहा है तो दूसरा काम आपको ये करना है, आप ये गौर से देखिए, ये सुई जा रहा है यहाँ पे, ये जो ये अंदर का हॉल देख रहे हैं ना, ये अंदर का हॉल है और सुई जा रहा है बिल्कुल बेस सेंटर में नहीं, सुई आई ये साइड में कर लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है ना, ये इसको खोल, यहाँ पे एक ये जो नट दिख रहा है ना, ये बोल्ट बड़ा सा छड़ है जो इसके बाजू में एक रहता, हाँ यही छड़ है, यही छड़ है, ये देखिए ये छड़ है, इसको खोल के है ना, मैं आपको मशीन पलटी करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये हॉल है ना, हॉल को गौर से देखिए और सुई कहाँ पे आ रही है वो देखिए, सुई आई हॉल के बीच में नहीं है, ये देखिए हॉल के बीच में नहीं है, थोड़ा इधर ये वाला जो ये देख रहे हैं बड़ा ऐसा जो रड है, इसको खोल के ये नट है, ये नट को खोलिए, इसको खोल के ये स्टार्टर है, स्टार्टर को अंदर के हिस्सा में कीजिए ताकि ये जो सुई का पॉइंट है ना बीच में नहीं रहे, ये साइड में कर लीजिए, तो एक साइड में
बिल्कुल बेस सेंटर में रहेगा तो आपका सिलाई देखिए ये हम इतना पे किए तो ये बेस सेंटर हो गया। अब थोड़ा हम ऐसे कर लिए तो ये थोड़ा साइड में रहेगा। तो खोल पे ये नट खोल के आपको इतना पे सेटिंग करके फिर नट को टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद आपका सिलाई सही देगी। मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। खोल के इसको इसको ड्राइवर से आगे की तरफ खींच। देखिए आगे की तरफ आ गया। अब देखिए सुई कहाँ पे आ रही है। तो ज़्यादा साइड में नहीं रहना चाहिए, अगर ज़्यादा साइड में रहेगी तो आपका धागा बहुत कट होगा। देखिए इतना पे सेटिंग कर लीजिए। फिर आपका टांका अगर सही से खींचता भी नहीं होगा, होगा अगर सही से सिलाई खींच नहीं रहा होगा तो आपका मशीन का स्पीड भी बढ़ जाएगी या सिलाई भी बहुत अच्छा खींचेगी भी, और जो सिलाई में ख़राबी होगा वो दूर हो जाएगी। और दूसरा नंबर ये स्प्रिंग, ये देखिए झाल का स्प्रिंग देखिए कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं। अगर ये स्प्रिंग सही है तो सही ठीक है, और नहीं तो इसको चेंज कर लीजिए। अगर ये चेंज कर लीजिएगा तो आपका सिलाई सही देगी। ये स्प्रिंग देख लीजिए, हाथ से ऊपर करके ऐसे उठा के नीचे आ रही है नहीं आ रही है। अगर नीचे ऊपर उठा के ऐसे छोड़ देते हैं नीचे आ रही है तो स्प्रिंग सही है। ये दो तीन चीज़ से ही धागा खराबी देती है, बाकी कोई भी ऐसा फोल्ड नहीं होती है। अगर इतना करने के बाद भी अगर आपका मशीन का खराबी सही नहीं हो रहा है, नीचे का धागा सही नहीं हो रहा है, आप हमें सिलाई कैसा हो रहा है वो आप फोटो खींच लीजिए। फ़ोटो खींच के मेल में भेज दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेल नंबर अपना ईमेल डाल दिया हूँ। आप वो ईमेल में जो सिलाई मारते हैं ना, सिलाई मार के और फ़ोटो खींच के ईमेल में भेज दीजिए। मैं देख लूँगा क्या ख़राबी है, फिर उसके हिसाब से बता दूँगा। फ़िलहाल में मैं जितना बताया हूँ उतना से आपकी ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी। इतना सेटिंग कर लेंगे तो सही हो जाएगी। अगर नहीं सही होता है तो फिर मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।